अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है Redmi Note 7 Pro। और फाइनली दोस्तों कई दिनों के बाद इसमें जो है एक नया स्टेबल अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो उसके 2 या 3 दिनों के बाद एक स्टेबल अपडेट आया था जिसका नाम था 10.2.7। और लगभग 20 दिनों के बाद दोस्तों एक और स्टेबल अपडेट आया है जिसका नाम है स्टेबल अपडेट 10.2.8। तो दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। 10.2.7 में जो फीचर्स थे वही फीचर्स इसमें भी मिल रहा था जो कि 10.2.8 है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि नई आई हैं और कुछ कुछ बग फिक्सेस भी हुए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है Redmi Note 7 Pro में और इसे और भी ज़्यादा स्टेबल बनाना बाकी है। हालांकि दोस्तों जो लोग मुझसे पूछे हैं कि बीटा अपडेट कब आएगा, तो दोस्तों बीटा अपडेट अभी जो है शुरुआत नहीं किया गया है Xiaomi की तरफ से, तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर बीटा टेस्टिंग शुरू कर दिया जाए और उसके बाद हो सकता है कि आप ओपन बीटा रोम फ्लैश कर पाएंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा बीटा अपडेट आने में। तो चलिए चल करके जान लेते हैं सिस्टम अपडेटर के वॉट्स न्यू में हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो बस दो ही चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला है दोस्तों, अपडेट किया गया सिक्योरिटी पैच लेवल को मार्च 2019 पे। तो अगर आप जाएंगे अबाउट फोन में तो आप देखेंगे कि जी हाँ दोस्तों 1 मार्च 2019 का जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल हो गया है, तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों पहले हमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों हमें क्या मिलता है, तो कॉल टाइम बबल जो है वो ओवरलैप हो जाता था नोटिफिकेशन आइकन पे, यानी कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं या फिर कहीं से कॉल आता है तो ऊपर में दोस्तों नॉच में यहाँ पे आपको कॉल टाइम बबल दिखाता है ग्रीन कलर का। तो वो कभी कभी क्या होता था कि अगर कोई नोटिफिकेशन आइकन है तो उसके ऊपर दिखाता था, ओवरलैप हो जाता था, तो उसे फिक्स कर दिया गया है। अब अगर आपका कॉल टाइम बबल आपको यहाँ पे शो करेगा तो उसके बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन आइकन आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। तो बस यही दो चीजें हैं दोस्तों जो कि आई हैं इस अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि ये अपडेट जो है 324 MB का था तो इसमें काफी कुछ फिक्सेस होने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजें फिक्स नहीं हुई है। तो मैंने दोस्तों ढूंढ ढूंढ करके निकाला कि इसमें आखिर क्या कुछ नया है, तो ज्यादा कुछ फिर भी नहीं आया। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको मिलता है नॉच इन इंडिविजुअल एप्स। तो बहुत सारे ऐसे एप्स थे दोस्तों जो कि Redmi Note 7 Pro में पूरा का पूरा नॉच में नहीं चलते थे, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको मिल गया है। तो अगर आप अपने जाएंगे दोस्तों सेटिंग में फुल स्क्रीन डिस्प्ले में, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा नॉच इन इंडिविजुअल एप्स का ऑप्शन। तो अगर आप इस पर टैप करेंगे तो इसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन जो है वो नॉच में चलना चाहिए। तो आपको याद होगा दोस्तों पबजी पूरा नॉच में नहीं चलता था, लेकिन अब आप जो है पबजी को नॉच इन इंडिविजुअल एप्स में इनेबल कर देंगे तो उसके बाद आपका जो पबजी है वो पूरा का पूरा नॉच में चलने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल जो है सेट किया गया है ऑलवेज शो नॉच पे, और ये दोस्तों बाई डिफॉल्ट सेट है, मैंने इसे सेट नहीं किया है, ये बाई डिफॉल्ट सेट है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास MX प्लेयर और आप चाहते कि वो भी नॉच में चले, तो आप यहाँ पे भी MX प्लेयर पे टैप करके ऑलवेज शो नॉच पे टैप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप जाएंगे MX प्लेयर में और MX प्लेयर को ओपन करेंगे और इसमें कोई भी वीडियो को दोस्तों प्ले करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब ये जो वीडियो है दोस्तों वो जो है पूरा का पूरा नॉच में चलेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अब ये MX प्लेयर का वीडियो भी पूरा का पूरा नॉच में चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें जो है नॉच हाइड करने का ऑप्शन क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये जो फ़ोन है इसमें नॉच उतना बड़ा नहीं है कि नॉच हाइड करने का ऑप्शन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों इसमें नॉच हाइड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट यार नॉच तो इतना छोटा है तो इसमें नॉच हाइड करने का ऑप्शन लेकर के बिल्कुल ही फालतू हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं तो कहूंगा कि इसमें नॉच हाइड करने का ऑप्शन नहीं हो तो बेहतरीन हो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटा सा कैमरा दिया गया है नॉच में। दोस्तों स्टेटस बार पूरा का हाइड नहीं होता है, तो स्टेटस बार में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है, चाहे वो दोस्तों नेटवर्क स्पीड हो, चाहे नोटिफिकेशन आइकन हो, चाहे टाइम हो, चाहे आपके वाईफाई के आइकन हो, चाहे बैटरी लेवल हो, सब कुछ आपको दोस्तों इसमें मिल जाता है। तो इसलिए नॉच हाइड का ऑप्शन देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि नॉच हाइड करने का ऑप्शन आएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज हमें क्या मिलता है, तो जॉयस्टिक पिक्स मिल जाता है दोस्तों ऐप वर्ल्ड में। जी हाँ, अब अगर आप जाएंगे अपने ऐप वर्ल्ड में तो उसके बाद दोस्तों आपको एक जॉयस्टिक पिक्स नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप जो अलग अलग गेम्स के पिक देख पाएंगे, तो ये भी दोस्तों एक तरह का एडवर्टीजमेंट है जो कि Xiaomi ने आखिरकार रिलीज कर ही दिया हमारे Redmi Note 7 Pro पे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, तो जो 48 MP का प्रो मोड है उसमें जो है काफी ज्यादा फास्ट हो गया कैमरा। जी दोस्तों अगर आप अपने कैमरा को ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों जाएंगे यहाँ पे प्रो मोड में, तो ये रहा दोस्तों प्रो मोड। तो पहले क्या होता था कि अगर आप 48 MP में खींचते थे तो लगभग 3 से 4 सेकंड का टाइम लगता था प्रो मोड में, अब दोस्तों लगभग 1 से 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों तुरंत खींचा गया, और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, और जो है शटर स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है प्रो मोड में। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ ये सिर्फ और सिर्फ प्रो मोड की कहानी है, अगर आप जाएंगे दोस्तों नॉर्मल मोड में तो नॉर्मल मोड में अभी भी जो कैमरा है वो काफ़ी स्लो है। यानी कि अगर आप नॉर्मल मोड में यहाँ से 48 MP को ऑन करते हैं तो अभी भी दोस्तों आपको 4 से 5 सेकंड का यहाँ पर टाइम लग ही जाता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों अभी भी घूम ही रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों फिर भी काफ़ी ज़्यादा पहले से फास्ट हो गया। पहले क्या लगता था 7-8 सेकंड का टाइम लगता था, लेकिन अब दोस्तों आपको 3 से 4 सेकंड में आपको यहाँ पे जो है फोटो ले ले रहा है नॉर्मल मोड में, ये चीज़ है दोस्तों। लेकिन अभी भी जो कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में हीट होता है और अभी भी हीटिंग के कारण जो है लैग होता है। जी हाँ, अगर आप नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो 4K में कर रहे हैं, चाहे वो 1080p में कर रहे हैं, तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से होगी दोस्तों। अगर आपका मोबाइल का टेम्परेचर लो है तो काफ़ी
काफ़ी अच्छे से होगी। लेकिन जैसे ही आप दोस्तों जाएंगे धूप में, जो कि मैं गया था और धूप में जाकर के दोस्तों शुरू में मैंने रिकॉर्डिंग किया तो काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों टाइम बीतता गया फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होते गया और हीटिंग के कारण जो रिकॉर्डिंग है वो स्टक होते गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है ये कितनी ज़्यादा रुक रुक के चल रही है। तो ऐसे आप रुकिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑटो रोटेशन को ऑन कर देता हूँ, शायद मेरा रोटेशन ऑफ है, तो रोटेशन रोटेशन ऑन हो जाए भाई, ऑन हो जाए, ये रहा दोस्तों रोटेशन ऑफ हो गया। और ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि कैमरा कितना ज़्यादा स्टक हो रहा है, बिल्कुल भी फ्रेम रेट 30 के आसपास नहीं है, तो फ्रेम रेट बहुत ही कम मिल रहा है कैमरा में। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स होना चाहिए। ये भी दोस्तों देखेंगे, ये भी वीडियो, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से है, तो हालांकि फ्रंट कैमरा तो अच्छे से चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें भी कभी ना कभी आपको जो है स्टटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा में EIS आपको अभी भी नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी बुरी बात है। तो जो कैमरा डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें जो है शाओमी को चाहिए कि फिक्स करें, वरना फिर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैमरा में और काफ़ी ज़्यादा स्टक होता है, लैग होता है, तो ये काफ़ी बुरी बात है। यही नहीं दोस्तों, कैमरा जो है इसका जो रेडमी नोट 7 प्रो का जो प्रोसेसर है वो 240 FPS को सपोर्ट करता है, 480 FPS को भी सपोर्ट करता है, लेकिन स्लो मोशन अभी भी 120 FPS तक ही दिया गया। तो पता नहीं इसको जो है वो लोग कब देंगे कब नहीं देंगे, ये अलग बात है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों पबजी में दोस्तों अभी भी जो है HD में ही चलता है, HDR का कोई भी ऑप्शन नहीं है, और HD में भी दोस्तों आपको जो ग्राफिक्स है वो अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अल्ट्रा ग्राफिक्स का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ स्मूथ में मिलता है, तो ये काफ़ी बुरी बात है दोस्तों। हालांकि ये तो प्रॉब्लम फिक्स हो गई कि अब जो आपका पबजी है वो पूरा का पूरा नॉच में चलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आई हैं इस अपडेट में, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ नया और भी आया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की। बाकी के लिए दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया 7 मिनट के आसपास का। अगर ऐसे ही कोई भी नया नया अपडेट आते रहेगा तो मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और कुछ और प्रॉब्लम्स है दोस्तों फ़ोन में, जैसे कि पावर डायरेक्टर अभी भी इसमें सपोर्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर इतना नया है कि बहुत सारे ऐप्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो पावर डायरेक्टर में जो भी HD वीडियोज़ होते हैं वो सपोर्ट नहीं करता। तो ये तो दोस्तों HD से लो रेजोल्यूशन का है तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद दोस्तों अगर आप जाएंगे यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको कैमरा, तो देख सकते हैं कोई भी वीडियो जो कि 4K में हो या 1080p में हो या फिर 720p में ही क्यों ना हो दोस्तों, कोई भी वीडियो दोस्तों ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, और हर वीडियो को कह रहा है कि ये रेजोल्यूशन जो है सपोर्टेड नहीं है। तो वीडियो एडिटर में भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों इस फोन को लेकर के, और ये वजह है कि मैंने अब तक रिव्यू नहीं किया, लेकिन दोस्तों लेकिन अब मैं कल या परसों इसका रिव्यू कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि फ़ोन कैसा है। वैसे फ़ोन तो काफ़ी बेहतरीन है, बढ़िया है हर काम के लिए, लेकिन यार इसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो गाइज आज का वीडियो देखने शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।